हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास साइंस का सैम्पल पेपर ये करंट सेशन एनुअल एग्जाम का पेपर है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का एंड फर्स्ट इज सेक्शन ए इसमें आपको सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को जो चार ऑप्शंस गिवन है उनमें से पहले बीस क्वेश्चन में तो पहला क्वेश्चन है विच माइक्रो इज़ रिक्वायर्ड इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी बाय द प्लांट प्लांट को सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की सो ए ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड इनमें से कौन सी कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी नहीं है मतलब उसे डिस्क्राइब नहीं करती है इट इज़ कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंपाउंड में दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं सही है ये प्योर सब्सटांस है ये भी सही है इट कैनॉट बी सेपरेटेड इंटू कॉन्स्टिटेंट्स बाई फिजिकल मीन्स फिजिकल मीन्स से आप इसके एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं अलग नहीं कर सकते हैं ये भी सही है इट इज मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाई मास ये गलत है एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो बाय मास एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं तो डी uh, ये डिस्क्राइब नहीं करता है कंपाउंड को ये इसकी एक प्रॉपर्टी नहीं है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज इन करेक्ट अबाउट द फिजिकल चेंज इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फिज़िकल चेंज के बारे में गलत है देर इज़ नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी सही है फ़िज़िकल चेंज में एनर्जी ना तो लूज होती है ना ही गेन होती है इट इज़ परमानेंट एंड इिवर्सिबल ये गलत है ये केमिकल चेंजेस की एक प्रॉपर्टी है फिजिकल चेंज में क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही चेंज होते हैं कलर चेंज हो गया शेप uh, चेंज हो गई साइज चेंज हो गया तो उसमें वापस से आपको जो ऑरिजिनल सब्सटेंस है वो मिल सकता है मतलब कि ये रिवर्सिबल होते हैं तो बी ऑप्शन गलत है Uh, मतलब सही है ये केमिकल चेंजेस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बाकी कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेंस द सेम और इसमें ना कोई नया सब्सटेंस बनता है बाकी के दोनों भी सही है द मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ फिश इज कॉल्ड फिश के प्रोडक्शन और मैनेजमेंट को बोलते हैं पीसी कल्चर साउंड वेव्स इन एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ये एग्जाम्पल है लॉन्गी वेव का द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है मैकेनिकल एनर्जी के ए ऑप्शन इज करेक्ट नाउ सेलेक्ट द द इन करेक्ट सेंटेंस फिर से इन करेक्ट सेंटेंस को सेलेक्ट करना है कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज लिगामेंट्स ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के एग्जाम्पल है ये करेक्ट स्टेटमेंट है सेंटेंस है टेंडेंस आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल ये गलत है टेंडेंस बहुत ही सॉफ्ट होते हैं फाइब्रस टिश्यू है और फ्रेजाइल नहीं होते बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं ये बेसिकली जो लिम्स है उन्हें मूव कराने में हेल्प करते हैं तो बी स्टेटमेंट सेंटेंस ये इनकरेक्ट है यानी कि बी सही ऑप्शन है इसके अलावा दो जो बोन्स हैं कनेक्टेड होती है लिगामेंट से एंड ब्लड हैज मेट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन सॉल्व एंड लिगामेंट्स ये भी सही है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर डज नॉट रिप्रेजेंट बोर्स मॉडल ऑफ एन आइटम करेक्टली चार पिक्चर्स आपको गिवन है इनमें से uh, कौन से दो आइटम्स बोर्स मॉडल ऑफ आइटम को करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो पहली जो ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं दो ही डीएस में सेकेंड में मैक्सिमम एट हो सकते हैं फोर फाइव सिक्स सेवन एट कम हो सकते हैं उससे लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे ज़्यादा होंगे तो फिर वो थर्ड ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाएंगे तो देखते हैं तो फर्स्ट में, तो में पहली ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन सही है सेकेंड में वन टू थ्री फोर फाइव ये भी सही है इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये गलत है एक तो सेकेंड रॉन्ग है दो सेकेंड में है वन टू थ्री फोर Five, six, ये सही है फर्स्ट में टू सही है सेकेंड में है one, two, three, four, five, six, seven, eight, ये गलत है प्लांट्स ब्लैंक टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट प्लांट्स में फूड so को कंडक्ट करता है फ्लोएम और वाटर को करता है ये दोनों ही वस्क्यूलर टिश्यूज हैं सी ऑप्शन इज करेक्ट अ बॉय हैविंग वेट ऑफ थर्टी सिक्स के जी ऑन अर्थ एक बॉय का अर्थ के ऊपर थर्टी सिक्स के जी वेट है मून पर कितना वेट होगा मून पर वेट होता है वन सिक्स जो अर्थ पर वेट है उसका सो so, मून पर उसका वेट होगा सिक्स के जी किलो डी ऑप्शन वेन अ बॉडी वाइब्रेट्स जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो इट कम्प्रेस द एयर सराउंडिंग सराउंडिंग एयर को वो कंप्रेस करती है और फॉर्म करती है एक हाई डेंसिटी एरिया उस एरिया को बोलते हैं कंप्रेशन डी ऑप्शन इज करेक्ट ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स फोर्स यूनिट है न्यूटन द प्रोसेस बाई विच वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमिबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन देर बाई इक्वालाइजिंग वाटर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड एक प्रोसेस जिसमें वाटर मूव करता है सेमी परमिबल मेम्ब्रेन से हाई कंसनट्रेशन रीजन से लो कंसेंट्रेशन रीजन की तरफ और फिर वाटर कंसेंट्रेशन को इक्वलाइज करता है इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस एक गोलकीपर फुटबॉल गेम में पुल करता है अपने हैंड्स को बैकवर्ड पीछे की तरफ आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल गोल की तरफ बॉल जो शूट की गई है उसे पकड़ने के बाद वो हाथ पीछे कर लेता है दिस इनेबल्स द गोल कीपर टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में बताना है तो इससे क्या होगा गोलकीपर जब ये करेगा तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा और जो फोर्स एग्जर्ट होगा उसके हाथों पर वो कम हो जाएगा फोर्स क्योंकि कम होगा डिक्रीज होगा और न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी डिक्रीज होगा सो दिस इनेबल्स द टू डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बी ऑप्शन इज करेक्ट पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज फॉलोइंग पोल्ट्री फार्मिंग में एक प्रोडक्शन इंक्रीज होता है फेदर प्रोडक्शन पंखों के प्रोडक्शन के लिए नहीं होता चिकन मीट का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है मिल्क का इससे कुछ लेना देना नहीं है सो फर्स्ट एंड थर्ड ए ऑप्शन इज करेक्ट नाउ सेवनटीन टू ट्वेंटी ये चार क्वेश्चन हैं वही अगर दोनों ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए ऑप्शन आप लगाएंगे ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी ऑप्शन ए ट्रू आर फॉल्स तो सी ए फॉल्स आर ट्रू तो डी नाउ सेवनटीन असर्शन है सेल्स हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड ट्रू है पैरेंटमा में फूड का स्टोरेज होता है पैरेंटमा सेल्स आर द मेन Of photosynthesis. ये गलत है है तो इसमें करेक्ट होगा सोल्ट बोथ आर इजिली डिजोल्व इन वाटर सही है दोनों ही चीनी और नमक आसानी से घुल जाते हैं पानी में शुगर एंड सॉल्ट आर सॉलिड हैंस इट इज इजिली डिजोल्व इन वाटर इसलिए डिजोल्व हो जाते हैं क्योंकि वो सॉलिड है ये गलत है फॉल्स स्टेटमेंट है सॉलिड तो आ,

लत है एक्सलरेशन फोर्स पर डिपेंडेंट होता है एफ इक्वल होता है मास सॉरी एक्सेलरेशन इक्वल होता है सो so, फिर से सी ऑप्शन नंबर ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स इज मेजर्ड ऑफ अप्रोक्सीमेट मास ऑफ एन आटम ट्रू स्टेटमेंट है आटम का मास अगर आपको फाइन करना है तो आप एड करते हैं नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को और रीजन है बिकॉज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लेजिबल ये भी बिल्कुल सही है और यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि बहुत कम नेग्लेजिबल वेट उनका होता है प्रोटोन और न्यूट्रॉन के वेट को ऐड करके आपको मास मिल जाता है आटम का इसमें दोनों सही है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है असर्शन को तो यहां पर ट्रू होगा ए ऑप्शन नेक्स्ट तो ये थे फर्स्ट ट्वेंटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी आ सेक्शन बी इफ यू अप्लाई ने जी बॉक्स टी न्यूटन फोर्स अगर आप अप्लाई करते हैं मास है उसका वन के जी बॉक्स का देन वॉट इज एक्सेलरेशन ऑन बॉक्स एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलेशन के फोर्स है थ्री मास है वन के जी इंटू एक्सेलरेशन ये हो जाएगा थ्री बाई वन यानी कि थ्री ही हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये इसकी ऐसा यूनिट है नेक्स्ट इफ द अटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज फिफ्टीन अटोमिक नंबर एक एलिमेंट का फिफ्टीन है मास थर्टी वन है फाइन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओके अगर एलिमेंट uh, का अटोमिक नंबर अगर फिफ्टीन है तो प्रोटॉन्स भी फिफ्टीन होंगे मास नंबर आपको गिवन है थर्टी वन है देन प्रोटॉन्स होंगे फिफ्टीन नंबर ले तो 1, 1. उसमें कर देते नेक्स्ट नाउ वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर अगर एक ग्लास में आप आइस कोल्ड वाटर बहुत ठंडा पानी लेते हैं तो उसके आउटर सर्फेस पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों दिखाई देती है ये होता है कंडेंसेशन की वजह से क्योंकि सराउंडिंग में जो एयर है उसमें पहले से वाटर वेपर्स हैं अब जब वो लेकिन जो वाटर वेपर्स हैं उस टाइम पर वो गैश फॉर्म में है तो आपको दिखाई नहीं देते जैसे ही वो जो ग्लास है उसके सरफेस के कॉन्टैक्ट में आती है हवा तो वो वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो जाते हैं गैश फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में और फिर वो आपको उसके आउटर सर्फेस पर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखाई देने लगती है तो आप कहेंगे वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर ड्यू टू कंडेंसेशन वन माका क्वेश्चन होता तो इतना काफी था टू मार्क का है तो थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं तो आप कहेंगे द टेम्परेचर ऑफ द ग्लास जिसमें वो आइस कोल्ड वाटर है उसका जो टेम्परेचर है इस कोल्ड इनफ वो इतना ठंडा है टू कूल डाउन द वॉटर vapor in surrounding air. Surrounding air. Vapor in the surrounding air. So uh, it turns the it turns them from gaseous to liquid state. Okay, next. Now next is राइट द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल सेल वॉल का मेन फंक्शन तो यही है कि एक सेमी परमिएबल सर्फेस प्रोवाइड कराती है ताकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर बाहर आ जा सके पास हो सके इन एंड आउट दो मार्क का क्वेश्चन है तो दो लिख देते हैं एक ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड कराती है सेल को सो नंबर वन द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड Support to the cell and also uh, provide a semi permeable surface for molecules to pass in and out of the. सेल ओके नेक्स्ट ना अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द विलॉसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एक बॉल को आपने ऊपर फेंका इनिशियल velocity u है 100 मीटर पर second की velocity से फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड अब उस बॉल को आपने यहाँ से फेंका ये ग्राउंड है ऊपर गई वो मैक्सिमम हाइट तक फिर वापस आती है नीचे आने में उसको कितना टाइम लगेगा टी आपको फाइंड करना है तो पहले हम ये देखते हैं कि ऊपर जाने में उसे कितना टाइम लगा मैक्सिमम हाइट पर वो गई है जितना जाने में लगेगा उतना ही वापस आने में लगेगा फिर उस टाइम को डबल कर लेंगे तो हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड थी यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर जब वो पहुँच जाएगी तो रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी वी हो जाएगी ज़ीरो जीरो मीटर पर सेकेंड फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है वी इक्वल है यू प्लस ए टी के ओके वी फाइनल विलासिटी है ज़ीरो यू इनिशियल विलॉसिटी है हंड्रेड प्लस ए एस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे ए को लेते हैं माइनस जी माइनस क्योंकि ऊपर की तरफ वो गई है जो ग्रेविटी uh, है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में गई है तो इसलिए माइनस लेंगे ए को लिया माइनस जी एंड टी हमें फाइंड करना है टाइम तो जीरो इक्वल हो जाएगा हंड्रेड प्लस माइनस इज माइनस जी को टेन ले लेंगे टेन टी टेन टीक्ल में ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा टेन टी इक्वल टू हंड्रेड तो टी हो जाएगा हंड्रेड बाई टेन टेन टेनजार हंड्रेड टेन सेकेंड दस सेकेंड का टाइम उसको लगा ऊपर जाने में फिर स्टेटमेंट आप लिख देंगे एज द टाइम टेकन टू रीच अपवर्ड विल बी सेम द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड सो टोटल टाइम टेकन इक्वल हो जाएगा टोटल टाइम इक्वल दस सेकेंड ऊपर जाने की दस सेकेंड नीचे आने की टेन सेकेंड्स प्लस टेन सेकेंड्स यानी कि ट्वेंटी सेकेंड टोटल उसको टाइम लगेगा टू रीच द ग्राउंड ओके नेक्स्ट नाउ इफ

so if the small and big stone are dropped from roof of a house simultaneously they will reach the ground at the same time because um, the acceleration due to gravity to gravity is the same for all objects irrespective of regardless of ऑफ देअर मास एंड साइज ओके सेक्शन सी इसमें थ्री मार्कर्स है राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मूला लिखना है फेरस सल्फेट का एफ ई एस ओ फोर देन सोडियम क्लोराइड एन ए सी एल सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एस ओ फोर नेक्स्ट इज वॉट इज एक्सेलरेशन एक्सेरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एलोसिटी ड्यू टू टाइम

एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेरेशन यूनिफाम एक्सेलेशन से जा रही है अटेन स्पीड ऑफ फोर्टी किलोमीटर पर आर की स्पीड उसने अटेन की इन टेन मिनट्स टाइम आपको गिवन है ये फाइनल विलासिटी हो जाएगी क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुई है रेलवे स्टेशन से यू इनिशियल विलासिटी होगी ज़ीरो यू है ज़ीरो मीटर पर सेकेंड वी फाइनल विलासिटी हो जाएगा फोर्टी मीटर पर सेकेंड अच्छा ये मीटर पर सेकेंड में से कन्वर्ट करेंगे अभी ये किलोमीटर पर आर में है तो हम कहेंगे वी है फोर्टी किलोमीटर पर आर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे फाइव बाई एटीन से अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में करना हो तो करते हैं एटीन बाई फाइव से तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन में ही रहेगा टू नाइन ज़ार एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ज़ार हंड्रेड हंड्रेड बाई नाइन हो जाएगा मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ये वी हो गया टाइम है टेन सेकेंड्स इसको भी ये मिनट्स में है तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे टेन इंटू वन मिनट में सिक्सटी सेकंड्स होते हैं ये हो जाएगा सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स छः सौ सेकेंड में उसने फाइनल वेलोसिटी स्पीड अटेन की है हंड्रेड बाई नाइन मीटर पर सेकेंड की एटरेस्ट से वो स्टार्ट हुई थी आपको फाइंड करना है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन ए फाइंड करना है सो वी इक्वल होता है यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ए वी इक्वल यू प्लस ए टी वी है कैलकुलेशन होंगी इसमें वी है हंड्रेड बाई नाइन इक्वल अच्छा यू तो ज़ीरो ही है प्लस ए है फाइन करना है ए एक टाइम है सिक्स हंड्रेड तो ये ज़ीरो प्लस ए इंटू सिक्स हंड्रेड ए इंटू सिक्स हंड्रेड ही हो जाएगा सिक्स हंड्रेड जाएगा डिनोमिनेटर में तो हंड्रेड बाई नाइन इंटू सिक्स हंड्रेड ये इक्वल हो जाएगा ए के ये भी फ्रैक्शन में ही रहेगा डेसिमल में भी आप फाइंड कर सकते हैं ए है वन बाई सिक्स नाइन फिफ़्टी फोर वन बाई फिफ्टी फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर डेसिमल में आप फाइंड करेंगे तो ज़ीरो पॉइंट जीरो टेन भी नहीं होगा जीरो फिर हंड्रेड होगा वन समथिंग ऐसा कुछ आएगा नहीं जीरो वन ओनली एक के बाद पॉइंट से मिला हंड्रेड हो जाएगा ठीक है वन बाई फिफ्टी फोर ही छोड़ देते हैं ओके okay, नेक्स्ट अब इसके और में क्वेश्चन है अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक बस रेस्ट से शुरू हुई मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ जीरो पॉइंट वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर टू मिनट्स पर सेकेंड अच्छा एक्सेलरेशन है तो फ्रॉम रेस्ट से अगर स्टार्ट हुई है तो यू है जीरो मीटर पर सेकेंड बी नहीं गिवन है ये एक्सेलरेशन है जीरो पॉइंट वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम है टू मिनट्स टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे टू मिनट्स यानी कि टू इंटू सिक्सटी वन ट्वेंटी सेकेंड्स फाइंड क्या करना है फ़ाइंड द स्पीड एक्वायर्ड बी फाइंड करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी इक्वल होता है यू प्लस ए टी के वी इक्वल हो जाएगा यू है जीरो प्लस ए है जीरो पॉइंट वन और टी है वन ट्वेंटी जीरो प्लस तो कुछ होगा नहीं वन ट्वेंटी इंटू जीरो पॉइंट वन हो जाएगा ट्वेल्व तो वी हो जाएगा ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड यानी कि स्पीड है बारह मीटर पर सेकेंड फिर फाइंड करना है द डिस्टेंस ट्रावल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल होता है टू ए एस के बी स्क्वायर यानी कि ट्वेल्व का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज जीरो स्क्वायर जीरो रहेगा इक्वल टू ए ए है जीरो पॉइंट वन एस हमें फाइंड करना है सो सो ट्वेल्व स्क्वायर वन फोर्टी फोर माइनस जीरो स्क्वायर ज़ीरो रहेगा वन फोर्टी फोर इक्वल टू इंटू जीरो पॉइंट वन ये हो जाएगा जीरो पॉइंट टू इंटू एस 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 यानी कि डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है ये हो जाएगा वन फोर्टी फोर बाय जीरो पॉइंट टू पॉइंट हटेगा टेन टू सेवन जार फोर्टीन टू जार फोर सेवेंटी टू इंटू टेन सेवन ट्वेंटी मीटर ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है टोटल डिस्टेंस कवर की है उसने ओके नेक्स्ट नाउ राइट एनी थ्री डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल एनिमल सेल प्लांट सेल में तीन डिफरेंस लिखने हैं तो मार्क में भी आ जाता है क्वेश्चन सो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल सबसे पहले तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है प्लांट्स सेल वॉल इज एबसेंट इनमें सेल वॉल होती है सेल वॉल इज प्रेजेंट प्रेजेंट देन इनमें प्लास्टिड्स नहीं होते एनिमल सेल में प्लास्टिड्स टिड्स आर प्लास्टिट इनमें प्लास्टिड्स जैसे क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट है प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट सेल प्लांट सेल प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट देन प्लांट uh, सेल में जो न्यूक्लियस है वो एक साइड में होता है जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है द न्यूक्लियस लाइज इन सेंटर वेयर एज इन प्लांट सेल न्यूक्लियस लाइज ऑन वन साइड ऑफ द सेल देन प्लांट सेल में सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है ओनली वन लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट इन सेंटर और एनिमल सेल में बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट देन एनिमल सेल कंपेरेटिवली स्मॉलर होती है साइज में एनिमल सेल इज़ स्मॉल और इरेगुलर होती है या राउंड होती है शेप में एंड इरेगुलर और राउंड इन शेप जबकि जो प्लांट सेल है इन शेप ये लार्ज होती है और रेक्टेंगुलर होती है शेप में फिक्स्ड शेप होती है एंड हैज अ फिक्स्ड ंगुलर शेप इन शेप देन एनिमल सेल में बहुत सारे माइक्रोकॉन्ड्रिया होते हैं आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर टांड सेल में बहुत कम होते हैं इस तरीके से कोई uh, भी तीन डिफ्रेंसेस आप लिख देंगे नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट इज सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून मान लीजिए आप और आपका दोस्त मून पर है विल यू बी एबल टू हेयर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाई योर फ्रेंड जस्टिफाई योर आंसर आपका फ्रेंड कोई साउंड अगर प्रोड्यूस करता है क्या आप उसे सुन पाएंगे नहीं सुन पाएंगे क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है और मून के ऊपर क्योंकि कोई भी एटमॉस्फेयर uh, नहीं होता तो कोई मीडियम नहीं मिलेगा उसे ट्रैवल करने के लिए तो आप कहेंगे नो वी कैन नॉट हेयर आई कैन नॉट हेयर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय माय फ्रेंड बिकॉज साउंड वेव्स वेव्स नीड मीडियम टू ट्रैवल एंड वैसे वन मार्क का एक क्वेश्चन इतना भी काफी रहेगा लिख देंगे द मून हैज़ नो एटमोसफेयर जैसे हमारा एटमोसफेयर है एयर उसमें है साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम मिल जाता है क्योंकि वहाँ पर एटमोसफेयर नहीं है सो देयर इज नो मीडियम मटीरियल मीडियम फॉर साउंड टू ट्रैवल थ्रू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स सोर्स ऑफ साउंड इज़ हंड्रेड हर्ट्स फ्रीक्वेंसी एक साउंड के सोर्स की हंड्रेड हर्ट्स हैं हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन वन मिनट एक मिनट में वो कितनी बार वाइब्रेट करेगा तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितनी फ्रीक्वेंटली वो वाइब्रेट करता है तो मतलब कि वन सेकेंड में वो हंड्रेड टाइम्स वाइब्रेट करता है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन वन मिनट इक्वल हो जाएगा सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीकवेंसी है हंड्रेड हर्ट्स इट मीनस दैट द सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट्स हंड्रेड टाइम्स इन वन सेकेंड तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ वाइब्रेशंस इन वन मिनट इज इक्वल टू एक सेकेंड में इन टू सिक्सटी सेकेंड्स में सिक्स थाउजेंड टाइम्स वो वाइब्रेट करेगा इन अ मिनट नेक्स्ट इज नेम द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स टू बोन्स ऊपर भी एक इवन था दो बोन्स को जो कनेक्ट टिश्यू कनेक्ट करता है वो है लेगाेंट Now mention one region in the human body where adipose tissue is present. Adipose tissue present होता है हमारी skin के नीचे under the skin. Uh, now state one function of the tissue. Adipose tissue का एक function लिखना है Heat ये generate करता है shock को absorb करता है energy को release करता है store करता है कोई भी एक function आप लिख देंगे storing and releasing energy. या फिर जनरेटिंग हीट ओके नेक्स्ट नाउ विच गैस इज कॉल्ड ड्राई आइस ड्राई आइस हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एंड बाय क्यों क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप सॉलिडिफाई करेंगे तो देखने में वो बिल्कुल आइस के जैसी लगेगी लेकिन ड्राई आइस इसलिए क्योंकि आइस को जब आप मेल्ट करते हैं बर्फ कन्वर्ट होती है लिक्विड में पानी बन जाता है उसका जबकि कार्बन डाइऑक्साइड देखने में आइस जैसी लगेगी लेकिन अगर आप उसको आ, मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी डायरेक्ट गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसलिए उसको बोलते हैं ड्राई आइस क्योंकि वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है सो so, पहले तो था कि कौन सी गैस को बोलते हैं ड्राई आइस ड्राई आइस इज कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड आगे वाई अंड इट इज कॉल्ड सो बिकॉज बिकॉज द गैस

मेल्ट इंटू लिक्विड इंटू लिक्विड बट चेंजेस डायरेक्टली इंटू सीओ टू गैस जबकि जो आइस है पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी फिर वाटर वेपर बनेगी अगर आप उसको हीट करते रहे इसमें ऐसा नहीं है इसलिए इसको ड्राई आइस बोलते हैं हाउ डज इवेपोरेशन डिफर फ्रॉम बॉइलिंग इवापोरेशन में और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है तो इवापोरेशन जो लिक्विड है हमारा उसके सिर्फ सरफेस के ऊपर होता है टॉप से और ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है जो लिक्विड है जबकि बॉइलिंग पूरे पूरा जो लिक्विड है पूरे उसमें होती है और बॉयल होना वो तब स्टार्ट होता है जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँच जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जब आप उसको हीट करते हैं देन ऐसे दो ही लिखने हैं टू मार्क का ही क्वेश्चन है अदरवाइज जो बॉइलिंग है उसमें बबल्स बनते हैं इवेपोरेशन में बबल्स नहीं बनते हैं। दो ऐसे भी डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं सो फर्स्ट इवेपोरेशन अ लिक्विड लिक्विड टर्स इन टू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट जबकि पॉइंट जो बॉइलिंग है इसमें अ लिक्विड टर्स इनटू गैस टर्स इनटू वेपर वेपर व्हेन इट्स हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तक जब आप उसको हीट करते हैं देन इवेपोरेशन uh, ये स्लो प्रोसेस है बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस है ये भी लिख सकते हैं और दो ही मार्क है तो एक जो इंपॉर्टेंट है कि इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस के ऊपर होता है इट अकर्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड जबकि बॉइलिंग पूरे लिक्विड में होती है वेयर एज बॉइलिंग अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल गिव द मोस्ट बेनिफिट एंड माई इनमें से किस कंडीशन में सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा और क्यों फार्मर यूज़ करता है हाई क्वालिटी सीड्स लेकिन अडॉप्ट नहीं करता इरिगेशन ना ही फर्टिलाइजर्स यूज़ करता है फार्मर ऑर्डिनरी सीड्स को यूज़ करता है अडॉप्ट करता है इरिगेशन को यूज़ करता है फ़र्टिलाइजर्स को फार्मर यूज़ करता है क्वालिटी सीड्स एच सीड्स इरीगेशन अडॉप्ट करता है फ़र्टिलाइजर्स यूज़ करता है और क्रॉप प्रोडक्शन मेजर मेजर मेजर्स को भी यूज़ करता है तो थर्ड केस में सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसको होगा सिर्फ़ जो गुड क्वालिटी सीड्स हैं उन्हीं को यूज़ करना सफिशेंट नहीं है मार्क में रीजन लिखना है तो आप लिख देंगे बिकॉज यूज ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स ओनली इज नॉट सफिशेंट अंटिल दॉल इज प्रॉपरली इिगेटेड जब तक आप प्रॉपर इरीगेशन के मेथड्स यूज़ नहीं करते इरीगेट उसको नहीं करते हैं प्रॉपरली एंड एनरिच्ड विद फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स उसमें यूज नहीं करते और उसको प्रोटेक्ट नहीं करते पेस्ट से या डिजीज से ओके नाउ सेक्शन डी फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन वन जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी वन जूल काइनेटिक एनर्जी को आपको डिफाइन करना है तो so, इसका मतलब है वन जूल अमाउंट ऑफ वर्क वो जो काम आपको करना पड़ता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वन न्यूटन फोर्स आप लगाएंगे और उससे उसे डिस्प्लेस करेंगे वन मीटर एक मीटर की डिस्प्लेसमेंट जब होगी उसमें अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उसे हम बोलते हैं वन जूल ऑफ वर्क वन जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी सो वन जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वेन वन न्यूटन वेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन ऑफ वन न्यूटन या फिर वन न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड वन न्यूटन डिसप्लेसेस डिसप्लेस करता है उसे बाय वन मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इट इज कॉल्ड वन जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी बॉल ऑफ मास टू के जी इज थ्रोन अप विद स्पीड ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड एक दो के जी मास की बॉल को आपने ऊपर फेंका दस मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द टाइम ऑफ थ्रोइंग काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है हाफ एम वी स्क्वायर की सो मास है टू के जी और वी इनिशियल वेलोसिटी है टेन मीटर पर सेकेंड सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे हाफ एम बी स्क्वायर यानी कि टेन का स्क्वायर टेन इंटू टेन टू से टू कैंसिल आंसर होगा हंड्रेड जूल काइनेटिक एनर्जी है हंड्रेड जूल नेक्स्ट नेक्स्ट इज ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाइस्ट पॉइंट हाइएस्ट पॉइंट पर जब वो बॉल है उस टाइम पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये भी आपको फाइंड करना है टू मार्क का क्वेश्चन है तो पूरा आप एक्सप्लेन करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं यानी कि बॉल जैसे ऊपर जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती रहेगी डिक्रीज होती रहेगी जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहेगी और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर है काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो यानी कि जितनी काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पर थी तब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उसकी जब वो हाइएस्ट पॉइंट पर है मैक्सिमम हाइट अटेन कर चुकी है तब होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी वहां पर हंड्रेड जूल ही होगी अगर वन मार्क में होता तो डायरेक्ट आप आंसर ही लिख देते तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी द एनर्जी कैन क्रिएटेड ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ये वन मार्क का हो गया सो इट कैन कैन डिस्ट्रॉइड इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म्ड फ्राम वन फॉम टू अनदर सो वेन विथ थ्रो एन ऑब्जेक्ट विद विलोसिटी बी से अगर हमने उसे फेंका तो काइनेटिक एनर्जी जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ड्यू टू मोशन कम होती जाएगी ये इक्वल होगा विद इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी सो आट मैक्सिमम हाइट जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एट हाइट एच आट मैक्सीम हाइट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एट द ग्राउंड ग्राउंड पर जो काइनेटिक एनर्जी थी उसके इक्वल होगी ग्राउंड पर काइनेटिक एनर्जी हमने काउंट की थी कैलकुलेट की थी हंड्रेड जूल थी तो मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी भी हंड्रेड जूल ही होगी ना आगे इसके और में क्वेश्चन है डिफाइन वन जूल ऑफ वर्क तो वर्क इक्वल होता है फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट के तो वन जूल ऑफ वर्क कब होगा डिफाइन वन जूल ऑफ वर्क जब वन न्यूटन आप फोर्स अप्लाई करते हैं और वन मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है उस ऑब्जेक्ट में सो वन जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय वन मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ओके नेक्स्ट नाउ कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉक्स ऑफ वेइंग वन फिफ्टी के किलो का एक वेट है उसको लिफ्ट करने के लिए आपको कितना वर्क काम करना पड़ेगा टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ सेवन मीटर सात मीटर की हाइट तक उस वेट को आपको उठाना है टेक जी टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके सो वर्क इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क इक्वल डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है सात मीटर तक डिस्प्लेस करना है उसको ऊपर उठाना है फोर्स इसमें नहीं दिया तो फोर्स हम फाइंड कर सकते हैं फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सलरेशन पहले फोर्स ही फाइंड करते हैं हम कहेंगे एफ इक्वल एम ए मास कितना है उसका वन फिफ्टी के जी और एक्सलेशन ड्यू टू ग्राविटी जी आप लेंगे टेन मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर सो इन टू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो फोर्स हो जाएगा वन फाइव डबल जीरो न्यूटन अब ये वैल्यू पुट करते हैं डब्ल्यू इक्वल एफ डी के फॉर्मूला में सो वर्क डन इक्वल होगा फोर्स अप्लाइड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड न्यूटन इंटू डिसप्लेसमेंट सेवन मीटर फिफ्टीन सेवनजर वन हंड्रेड एंड फाइव एंड डबल ज़ीरो टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड जूल इतना काम हमें करना होगा वन फिफ्टी किलो के वेट को सात मीटर की हाइट तक uh, वर्टिकल लिफ्ट करने में नाउ नेक्स्ट इफ के एंड एल शेल ऑफ एन एटम आर फुल के शेल एल शेल दोनों फुल है के में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एल में आठ होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट देन वॉट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आटम तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टू प्लस एट दस इलेक्ट्रॉन्स हैं ओके हाउ विल यू फाइंड द बैलेंसी ऑफ क्लोरिन सल्फर एंड मैग्नीशियम बैलेंसी फाइंड करनी है क्लोरीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें सेवनटीन क्लोरिन आप लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेवनटीन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के में दो एट एट प्लस टू टेन और आउटर मोस्ट शेल में है सात इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ये चार से ज़्यादा है तो इसको हम आठ कंप्लीट करेंगे तो इसकी वैलेंसी होगी वन सो इट हैज़ अ क्लोरीन हैज़ अ वैलेंसी इज इट फाइव मार्क है ठीक है वैलेंसी ऑफ वन दिस इज बिकॉज सेवन इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल विच इज़ ग्रेटर दैन फोर नाउ नेक्स्ट है सल्फर सल्फ़र uh, में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सिक्सटीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू सिक्सटीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगा टू फर्स्ट के शेल में एट टू टेन और लास्ट में होंगे सिक्स तो सिक्स ये भी क्योंकि चार से ज़्यादा एट कंप्लीट करेंगे इसमें वैलेंसी होगी सल्फर हैज़ अ वैलेंसी ऑफ टू मैग्नीशियम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्वेल्व है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू एट और लास्ट आउटर मोस्ट मोस्ट शेल में होंगे दो तो मैग्नीशियम की वैलेंसी भी है टू क्योंकि चार से कम है आउटर मोस्ट शेल में तो दो को ये लूज कर देगा ओके व्हाट इज अ न्यूरॉन न्यूरॉन क्या है ये नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ट ऑफ नर्वस सिस्टम ना राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ न्यूरोन स्ट्रक्चर को लिखना है बेटर है कि आप एक डायग्राम इसका ड्रॉ कर देंगे देन तीन इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं देख लेते हैं डेंड्राइड सेल बॉडी एंड एक्सॉन सो स्ट्रक्चर में तीन पार्ट्स को आपको डिस्क्राइब uh, करना है न्यूरोन्स आर मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स फर्स्ट इज डेंड्राइड्स ये रिसीव करते हैं सिग्नल आसपास का जो एरिया उससे डेंड्राइड्स रिसीव मैसेज और सिग्नल फ्रॉम द फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया और फिर फिर उसको भेज देते हैं सेल बॉडी में एंड देन सेंड देम टू द सेल बॉडी सेल बॉडी से वो जाते हैं एक्सॉन में जो कि ये लॉन्ग एक एलोन्गेटेड एक्सटेंशन है फिर यहाँ पर ये है एक्सॉन टर्मिनल जहाँ से अटैच होते हैं दूसरा जो सेल है उसके डेंड्राइट्स फिर वहाँ पे जाएगा सिग्नल इस तरीके से जो एक मेन फंक्शन है इन न्यूरॉन्स uh, का सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना थ्रू आउट द बॉडी तो ये उन इम्पल्स को सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं ओके ओके नाउ सेक्शन ई पैराग्राफ आपको गिवन है रीड करना है फिर क्वेश्चंस को आंसर करना है तो डायरेक्ट देख लेते हैं जनरली क्वेश्चंस होते हैं अदरवाइज पैराग्राफ आप रीड करेंगे आंसर्स आपको मिल भी जाएंगे द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है ऑप्शन की बने प्रोटीन्स लिपिड्स दोनों की ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सीबल एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स तो इसमें करेक्ट है सी ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस इज नोन एज सेल्यूलर वेस्ट सेल्युलर वेस्ट रेस्पिरेशन में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सी ऑप्शन द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन वेयर इज इट्स कंसेंट्रेशन इज लोअर जहां पर हाई कंसेंट्रेशन है वहां से जहां पर लोअर कंसेंट्रेशन है सब्सटेंस का वहाँ पर मूव होना उसे बोलते हैं डिफ्यूजन देन वाई सेल सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही पास होना रहा करती है

नंबर ऑफ थर्ड ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फिग्रेशन कैसे होता है तो पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आन एलिमेंट एक्स इज फिफ्टीन एक एलिमेंट में फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन्स हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सिक्सटीन है विच इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बीच में सिंबल लिखेंगे सिंबल कार्बन का अगर हम लिखते हैं देन ऊपर आता है मास नंबर ट्वेल्व मास नंबर है मास नंबर कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ प्रोटोन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नीचे लिखेंगे अटोमिक नंबर अटोमिक नंबर नंबर अटोमिक नंबर यानी कि जितने उसमें प्रोटोन्स हैं क्वेश्चन था कि एलिमेंट uh, है एक्स ही नाम दिया है एक्स लिखते हैं सिंबल उसका उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं फिफ्टीन जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे तो so, प्रोटॉन्स भी है फिफ्टीन देन न्यूट्रॉन्स हैं सिक्सटीन तो मास नंबर इसका होगा सिक्स फाइव एलेवन वन वन टू थ्री थर्टी वन थर्टी वन एंड फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड प्रोटोन्स हैं तो अटोमिक uh, नंबर भी हो जाएगा फिफ्टीन तो रिप्रजेंट करेंगे इस तरीके से ए ऑप्शन इज करेक्ट नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटोन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सी ए टू प्लस सी ए कैल्शियम कैल्शियम में ट्वेंटी प्रोटोन्स होते हैं ट्वेंटी न्यूट्रॉन्स होते हैं ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टू प्लस यानी कि आयन बनाए आयन जब भी फॉर्म होता है तो इलेक्ट्रॉन्स या तो वो गेन करता है या लूज करता है टू प्लस अगर लिखा है मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स को उसने लूज किया है इलेक्ट्रॉन्स अगर दो गए सो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी है ट्वेंटी माइनस टू यानी ट्वेंटी तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है एटीन ट्वेंटी प्रोटॉन्स एंड एटीन इलेक्ट्रॉन्स डी ऑप्शन इसमें सही है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन फिल द थर्ड शेल ऑफ एन एटम आइटम की थर्ड शेल में टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं टू इन टू थर्ड शेल है थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री जार थ्री थ्री जर नाइन नाइन टू जर एटीन एटीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये दिया भी था आपको यहाँ पर ये थर्ड ऑर्बिट में एटीन नॉविश ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द सेम नंबर ऑफ प्रोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनमें से किस एलिमेंट में सेम नंबर ऑफ प्रोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे मैग्नीशियम में बारह प्रोटोन्स बारह इलेक्ट्रॉन और बारह न्यूट्रॉन्स होते हैं नेक्स्ट ये पैराग्राफ है फिजिक्स से रीड आप कर लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ड्यू टू ग्राविटी एक्सेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्कवायर डायरेक्शन ऑफ वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड होती है एंड ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ए ऑप्शन इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ज सेम यूनिट इनमें से किन की यूनिट सेम है सो so, वेट और फोर्स दोनों की ऐसा ही यूनिट है न्यूटन नेक्स्ट इज वेदर वेट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी जस्टिफाई योर आंसर वेट वेक्टर क्वांटिटी है मास स्केलर है क्योंकि वेट बेसिकली जो ग्राविटेशनल फोर्स वर्क करता है एक ऑब्जेक्ट पर उसे हम बोलते हैं वैसे भी वेट इक्वल होता है मास इनटू टू ड्यू टू ग्रेविटी के तो मतलब कि बिकॉज आप लिखेंगे बिकॉज इट हैज Both magnitude and direction. So it is a vector quantity. Okay, that's all, students. 8th and 9th class, science kaik. sample paper. Thank you so much for watching.